हेलो एवरीवन, वेलकम टू हाउ कैन हेल्प यू चैनल। मैं हूं अभिजीत, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। तो दोस्तों, क्या आप घर बैठे बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहते हैं? क्या आप जॉब के साथ साथ साइड इनकम भी करना चाहते हैं? तो आज का जो वीडियो है इसे बिना स्किप करके एंड तक देखिए। तो गाइस, घर बैठे बिना मेहनत के पैसे कमाने की जो बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे है वो है ट्रेडिंग करके पैसे कमाना। तो आप ट्रेडिंग करेंगे कैसे? तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म चूज करना है, जहां पे आपको ट्रेडिंग के लिए सारे ऑप्शन के साथ साथ बेनिफिट्स भी मिले। तो ऐसा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऐसा प्लेटफॉर्म है एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आपको किस तरह की बेनिफिट मिलता है। तो जब आप ट्रेडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, और डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको एक चार्जेस भी देना पड़ता है। बट एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन कर पाएंगे, और ट्रेडिंग करने के लिए काफी सारे ब्रोकर आपको परसेंटेज पे चार्ज करता है। इस वजह से आप जितने ज्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग करेंगे आपको उतना ही ज्यादा ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए एंजल ब्रोकिंग ने लाया है आई ट्रेड प्राइम प्लान। तो आई ट्रेड प्राइम प्लान में आप जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो इस प्लान का दो ऑप्शन है, एक है इक्विटी ट्रेडिंग में आपको किसी भी तरह की ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा, और दूसरा है FNO, करेंसी ट्रेडिंग, कॉमोडिटीज एंड इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको ओनली 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। जी हाँ, चाहे आपका ऑर्डर 20,000 की हो, 50,000 की हो या 1,00,000 की हो, आपको पे करना पड़ेगा ओनली 20 रुपीज। तो एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ साथ मोबाइल पे भी यूज कर पाएंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं इस एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, कैसे आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है और कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। तो उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। तो लैपटॉप और डेस्कटॉप से ट्रेडिंग करने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा angelbroking.com। तो इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया है, और वेबसाइट ओपन हो जाने के बाद आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको नेम, मोबाइल नंबर एंड करेंट सिटी टाइप करके ओपन एन अकाउंट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइज, अभी आप सोचेंगे कि भाई मुझे लैपटॉप और डेस्कटॉप की झंझट में पड़ना नहीं है, मुझे तो अपने मोबाइल से ही ट्रेडिंग करना है। तो चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से एंजल ब्रोकिंग को यूज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को स्मार्टफोन से यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नेम है एंजल ब्रोकिंग, और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल स्टोर पे भी मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और गाइज इस एप्लीकेशन का जो डाउनलोड लिंक है वो मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दिया है। और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका जो परमानेंट मोबाइल नंबर है वो टाइप कर लीजिए। तो उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर दीजिए तो वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद आपका जो फुल नेम है वो टाइप करना है, आपका जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है, और एक इंट्रोड्यूसर कोड का भी ऑप्शन है तो वो ऑप्शनल है, उसे छोड़ दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, और प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। इस स्टेप पे आपको ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर एंड बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारे चीज फिलअप करना होगा। तो उसे फिलअप कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको KYC कंप्लीट करना है। तो KYC कंप्लीट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है ऑफलाइन आधार और मैनुअल एंट्री। तो आप मैनुअल एंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए। अभी आपको एड्रेस, स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सारे डिटेल्स फिलअप करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। इस टैब पे आपको आपका एनुअल इनकम, ऑक्यूपेशन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फादर्स फर्स्ट नेम, फादर्स लास्ट नेम टाइप करके नीचे जो चेकबॉक्स है उसे मार्क करके प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आते ही इस तरह की दो पॉपअप मैसेज आपके स्क्रीन पे आएगा, तो आप अलाउ पे क्लिक करके परमिशन दे दीजिए, और आपकी एक फोटो अपलोड कर दीजिए। उसके बाद पैन कार्ड की एक फोटो अपलोड कर दीजिए, और बैंक स्टेटमेंट आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के लिए आपकी जो आधार कार्ड है या जो वोटर कार्ड है या जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका इमेज अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड की जो फ्रंट इमेज है उसे पहले अपलोड करूंगा, उसके बाद ये जो बैक इमेज है इसे अपलोड कर लेते हैं। और एड्रेस प्रूफ अपलोड करते ही एक न्यू ऑप्शन आ चुका है, तो इस ऑप्शन पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए सिग्नेचर भी अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। अभी आपको बस प्रोसीड पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करते ही इस तरह की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो उसे एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए।
अभी आप आ जाएंगे एनएसडीएल साइट पे, यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करना है, उसके बाद नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसे एक्सेप्ट करना है और जेनरेट ओटीपी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपका जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपका ई साइन ऑटोमेटिक वेरीफाइड होगा, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फाइनली आ चुके हैं लास्ट स्टेप पे, तो इस स्टेप पे आपको फिर से एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, तो उस पॉपअप मैसेज पे जो अलाउ बटन है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके जो स्मार्टफोन है उस स्मार्टफोन की फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको एक 10 सेकेंड की वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त आप अपने नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस या कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके बाद जैसे ही आपका वीडियो रिकॉर्ड कंप्लीट होगा तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है, और प्रोसीड पे क्लिक करते ही तो आपका जो वीडियो है वो ऑनलाइन इन पर्सन वेरिफिकेशन के लिए अपलोड हो जाएगा। अभी आपको पीओए यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देना है, ताकि आपके लिए एंजल ब्रोकिंग आपके ऑर्डर के हिसाब से स्टॉक को बाय या सेल कर सके। तो पीओए देने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक है सेल्फ कुरियर और दूसरा है शेड्यूल पिकअप। तो आप शेड्यूल पिकअप को सिलेक्ट कर लीजिए। तो पीओए फॉर्म आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके फिलअप करके रखना, और उस फॉर्म को कैसे भेजना है और किस कुरियर सर्विस के थ्रू भेजना है ये सारे डिटेल्स आपको मेल के थ्रू मिल जाएगा। तो चलिए अभी प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और इस तरह से आप भी फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना डीमेट अकाउंट 10 टू 15 मिनट्स के अंदर बना पाएंगे। अभी आपको ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट पे पैसे ऐड करना पड़ेगा, तो पैसे ऐड करने के लिए मेनू बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको फंड को ओपन करना है, और फंड पे आके आप अपने डीमेट अकाउंट की बैलेंस भी चेक कर पाएंगे। तो पैसे ऐड करने के लिए आपको नीचे जो पे नाउ बटन है उस बटन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कर लेना है। फंड ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक है नेट बैंकिंग और दूसरा है भीम यूपीआई। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो कार्ड पे आपको एक वीडियो लिंक मिलेगा, उस वीडियो को जाकर देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे कैसे आपको नेट बैंकिंग को ओपन करना है। तो चलिए अभी मैं नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद आप जितना अमाउंट पे करना चाहते हैं या जितना अमाउंट ऐड करना चाहते हैं उतना अमाउंट टाइप कर लीजिए, और टाइप करने के बाद पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, और पे बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो नेट बैंकिंग है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको सिंपली नेट बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड डाल के पेमेंट कर लेना है। तो ट्रेडिंग करके आपको जितना प्रॉफिट मिलेगा उसे अगर आप अपने डीमेट अकाउंट से बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको विथड्रॉल पे क्लिक करना है। चलिए अभी देख लेते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करना है। तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको फिर से मेनू बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद मार्केट को ओपन करना है। मार्केट ओपन हो जाने के बाद आपको निफ्टी पे आना है, और निफ्टी के साथ साथ यहाँ पे आपको सेंसेक्स का ऑप्शन भी मिलेगा। तो जिसका शेयर आप खरीदना चाहते हैं आप बस सिंपली उसे ओपन कर लीजिए। अभी आपको जो शेयर खरीदना है सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको बाय ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस बाय ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और डिटेल्ड ऑर्डर को ओपन कीजिए। अभी टॉप साइड पे आपको एनएससी एंड बीएससी का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यही शेयर निफ्टी से खरीदना चाहते हैं तो आपको एनएससी सिलेक्ट करना है, अगर आप इसे सेंसेक्स से खरीदना चाहते हैं तो आपको बीएससी सिलेक्ट करना है। और इस शेयर को खरीदने के लिए आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, एक है नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस और तीसरा है रोबो ऑर्डर। तो मैं नॉर्मल ऑर्डर करूंगा। तो अभी क्या करना होगा, मुझे क्वांटिटी टाइप करना है। आप जितने शेयर खरीदना चाहते हैं आपको वो नंबर टाइप करना है। जैसे अगर आप एक लेना चाहते हैं तो आपको 1 टाइप करना होगा, अगर आप 100 लेना चाहते हैं तो आपको 100 टाइप करना होगा। तो क्वांटिटी टाइप हो जाने के बाद अभी आपको ऑर्डर टाइप पे आना है, और ऑर्डर टाइप पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक है लिमिट और दूसरा है मार्केट। तो अभी इस शेयर का जो प्राइस है, अगर आप उससे भी कम प्राइस में इस शेयर को खरीदना चाहते हैं तो लिमिट को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद आपको प्राइस के लिए एक प्लेस मिलेगा, तो वहां पे आपका जो टारगेट प्राइस है उस प्राइस को टाइप कर दीजिए। अगर आप इस शेयर को मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं, मतलब इस शेयर की अभी जो प्राइस है उसी प्राइस में इसे खरीदेंगे, तो आपको मार्केट सिलेक्ट करना है। अभी आपको प्रोडक्ट टाइप सिलेक्ट करना है। तो प्रोडक्ट टाइप पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, एक है डिलीवरी, दूसरा है इंट्राडे और तीसरा है मार्जिन। अगर आप ज़्यादा बेनिफिट के लिए शेयर को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो डिलीवरी को सिलेक्ट कीजिए। अगर आप शेयर को जिस दिन खरीदेंगे उसी दिन बेचना चाहते हैं तो इंट्राडे सिलेक्ट कीजिए। तो इंट्राडे ट्रेडिंग पे भी आपको कुछ मार्जिन मिल जाएगा। अभी बात करते हैं मार्जिन ऑप्शन के बारे में। तो अगर आप मार्जिन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके डीमेट अकाउंट पे जितना अमाउंट है उससे भी 10 टू 15 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट की आप शेयर खरीद पाएंगे, और वो शेयर अगर आप खुद नहीं सेल करेंगे तो मार्केट क्लोज होने की 15 मिनट्स पहले ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अभी बस वैलिडिटी पे डे सिलेक्ट कीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपका जो ऑर्डर डिटेल्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा।
तो उसे एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, उसके बाद कॉन्फर्म पे क्लिक कर दीजिए और इस ऑर्डर की स्टेटस जानने के लिए ऑर्डर स्टेटस पे क्लिक कीजिए। दिन में कभी भी आप अगर अपने शेयर की पोजीशन चेक करना चाहते हैं तो आपको मेनू बटन पे जाना है, उसके बाद ट्रेड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको पोजीशन को ओपन करना है और पोजीशन पे आके आप देख पाएंगे कि आपका जो शेयर है वो कितना प्रॉफिट में है या कितना लॉस में है। अगर आप देखते हैं कि आपका शेयर लॉस में है तो आप इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं या कॉन्वर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको उस ऑर्डर के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे आपको कॉन्वर्ट ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी आपको कॉन्वर्ट टू पे जाके आप जिसमें कॉन्वर्ट करना चाहते हैं अपने ऑर्डर को, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन चूज कर लीजिए। जैसे अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रखना चाहते हैं तो डिलीवरी सिलेक्ट कर लीजिए और करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। अगर आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है और लॉट्स पे आप जितना शेयर बेचना चाहते हैं वो क्वांटिटी टाइप कर लेना है। अभी आपको ऑर्डर टाइप सिलेक्ट करना है। अगर आप इस शेयर को मार्केट प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो सिंपली मार्केट सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप इस शेयर को एक टारगेट प्राइस पे बेचना चाहते हैं तो लिमिट सिलेक्ट कीजिए और लिमिट सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो टारगेट प्राइस है वो टाइप करना है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अभी आपको फिर से आपका जो ऑर्डर डिटेल्स है वो चेक कर लेना है और कॉन्फर्म पे क्लिक करना है। अभी आप ट्रेडिंग करना सीख गए हैं तो क्या आप बस एंजल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म को यूज करो, चाहे ऐप के थ्रू हो या वेबसाइट के थ्रू हो, उसे यूज करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर दो। और गाइज अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।